सो दोस्तों, जैसी खबर सामने आ रही थी कुछ दिनों पहले कि मेटा भी अब ट्विटर की तरह ही ब्लू वेरिफिकेशन बैज को पेड करने वाला है, तो उसने कर दिया है। जी हाँ, फेसबुक के ऊपर अगर आपके पास में ब्लू टिक है, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपके पास में ब्लू टिक है, तो वो सभी जाने वाली हैं अगर आप पे नहीं करते हो $12 मंथली। तो ये भी एक लग्जरी है, अगर किसी को ब्लू वेरिफिकेशन बैज चाहिए, ब्लू टिक चाहिए, तो उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर। अब ट्विटर के ऊपर $8, फेसबुक के ऊपर $12, इंस्टाग्राम के ऊपर $12, और iOS के ऊपर अगर आप हो, मतलब कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, आईपैड यूज़ कर रहे हो, तो आपको $15 देने पड़ेंगे मंथली के। अब इसको कन्वर्ट करके देख लो इंडिया के अंदर कितने बनेंगे, लेकिन ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर लगेगा आईडी प्रूफ, जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ना आईडी प्रूफ, वो लगेगा। उससे मैचिंग होगी आपके नेम की, आपके फिर यूज़र नेम तो खैर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपको वेरिफिकेशन बैज मिल गया, ना आप अपना नेम चेंज कर पाओगे, ना यूज़र नेम चेंज कर पाओगे। अगर करते हो ऐसा, तो दोबारा से आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये चेंजेस करवा पाओगे अगर आपको लेना है वेरिफिकेशन बैज। तो ये एक नया चक्कर शुरू हो चुका है, मतलब पहले ही ज़िंदगी में इतने खर्चे हैं, अब फेसबुक के लिए भी खर्चे करो, इंस्टाग्राम के लिए भी खर्चे करो, ट्विटर के लिए भी खर्चे करो, तो भैया मतलब कहाँ से लाएं इतना पैसा। और ऊपर से एलोन मस्क ने इसका भी मजाक उड़ाते हुए दिखाया मिस्टर बीन का, कि भैया मार्क जुकरबर्ग किस तरीके से मेरी कॉपी करते हैं, और ये तो है ही, कॉपी तो करी है। ये जो मेटा के प्रोडक्ट है ना, मुझे तो ऐसा लगता है ये कॉपी पेस्ट पे ही बन रहे हैं। अब देखो, टेलीग्राम की कॉपी करने वाले हैं, चैनल वाले का फीचर भी लाने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी बढ़िया कंपनी के अंदर जैसे ही किसी भी बंदे की जॉब लगती है, तो उसकी सैलरी अच्छी ही होती है, चाहे वो फ्रेशर ही क्यों ना हो। लेकिन विप्रो ने अपनी स्टैंडर्ड सैलरी को घटा दिया, बिल्कुल आधा ही कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए पहले एज ए फ्रेशर कोई भी लगता था तो उसको 6.5 लाख रुपीज पर ईयर दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने फ्रेशर्स की सैलरी घटाकर 3.5 लाख कर दी पर ईयर। तो मतलब ये भी सभी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, लोग तो सैलरी बढ़ाते हैं कि अब बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने घटा दी इस महंगाई के दौर में। तो ये एक बड़ी हैरानी कर देने वाली बात है। ये भी औरों कंपनियों की तरह ही निकले, जो कि मतलब ऐसी सैलरी देते हैं फ्रेशर को जैसे कि फ्री में ही काम करवा रहे हो। दोस्तों, अमेजोन के ऊपर PS5 का गॉड ऑफ वॉर बंडल करीबन 60,000 रुपये का है। अब इसको किसी बंदे ने ऑर्डर किया, उसको बदले में मिल गए 2 ब्लूटूथ स्पीकर। बाकी जो चीज़ उसने ऑर्डर की थी वो तो मिली नहीं, लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट उसके घर पर पहुंच गया। और ये सेलर का नाम था द इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्टोर, जिसने ये प्रोडक्ट इसको भेज दिया। हो सकता है गलती से भेज दिया, हो जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पर इस बंदे की गलती ये हुई कि इसने OTP शेयर कर दिया विदाउट वेरीफाइंग कि उस डब्बे के अंदर क्या है। क्योंकि देखो, PS5 का बंडल है, अच्छा खासा बड़ा बंडल होगा, लेकिन इसने एक छोटे से डब्बे को ही अनबॉक्स ये कर दिया। मतलब क्या सोचा, मे बी किसी और ने रिसीव कर लिया होगा वो प्रोडक्ट और इससे OTP ले लिया होगा और इसने OTP दे दिया होगा। तो OTP कभी भी नहीं देना चाहिए विदाउट वेरीफाइंग कि उस प्रोडक्ट के उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो इससे तो खैर गलती होगी, लेकिन ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। हालांकि शुरू में मैं ये समझ रहा था कि इसने गॉड ऑफ वॉर की गेम ऑर्डर करी है, जो इसको मतलब 2 ब्लूटूथ स्पीकर दे गई। अब वो तो अच्छा, क्योंकि क्या होता है अमेजोन के ऊपर कि आपको कहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट भी रख लो और आपके प्रोडक्ट का रिफंड आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको वो दोबारा से ऑर्डर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास में दो चीज़ें हो गई, एक तो स्पीकर भी आपका हो गया, उसके बाद में गेम भी आपको मिल जाएगी बाद में। लेकिन पता लगा 60,000 रुपये का बंडल ही ऑर्डर कर रखा था, भाई 60,000 ही खर्च करने थे तो किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चला जाता जहाँ पर PS5 मिलता है, शायद ऐसा कांड ना होता। क्योंकि ऐसे लोग जो महंगी महंगी चीज़ें ऑनलाइन खरीद लेते हैं, देखो 1,000-2,000 की चलती है, लेकिन लाखों 1.5 लाख-2 लाख रुपए की चीज़ें अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो भैया रिस्क तो है ही। अब आप कहोगे रिस्क है तो इश्क है, तो कर लो इश्क, हो गया इश्क। दोस्तों, एक बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने सुना था मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए सीक्रेटली, और किसी को कानोकान खबर तक नहीं हुई। हाँ, खबर मिल चुकी थी रशिया को, लेकिन 1-2 घंटे पहले ही बताया गया था कि भैया जो बाइडेन एंटर करने वाले हैं यूक्रेन के अंदर, तो सीज फायर कर दो, कोई भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मतलब जो भी मिसाइलें तुम दाग रहे हो अब वो बंद कर दो। और उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अगर वो चालू रखते तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़वाने वाला यहाँ काम हो चुका था। अब सीक्रेटली वो कैसे गए,
वो किसी को नहीं मालूम क्योंकि यही तो सीक्रेट है, लेकिन हाँ एक बात मालूम चली है कि वो सबसे पहले पोलैंड पहुंचे और पोलैंड की एक ट्रेन में बैठ के सीधा ही कीव में उतर गए जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और वहां पर पहुंचने के बाद में वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की से भी मिले, और इस 5 घंटे की रिस्की विजिट के अंदर उन्होंने सोल्जर के मेमोरियल भी देखे और इसी के साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में बात करते करते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ बातें करी पुतिन के बारे में भी। और ये ऐसी ट्रिप रही है जिसने भाई कई लोगों को इम्प्रेस किया होगा, मतलब आधी दुनिया तो कायल हो गई होगी जो बाइडेन के कि भैया ये ऐसा बंदा है कि इतने रिस्की जगह पे भी जाकर मिल आया, मतलब किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई, और गलती से अगर ये वहाँ पर फंस जाता है कुछ हो जाता तो भैया आपत्ति रशिया के लिए। अब यहाँ पर तो चलो जो बाइडेन पहुँचे हुए थे यूक्रेन के अंदर और वहाँ पर रशिया के अंदर पुतिन अपनी लाइव स्पीच दे रहे थे, ये टीवी के अंदर भी चल रही थी, वेबसाइट के ऊपर भी चल रही थी, तो वहाँ पर किसी ने डीडॉस अटैक कर दिया उनकी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जिसके बाद में वो वेबसाइट हाँफने लग गई, उसके बस की चलना नहीं हुआ, वो लोड ही नहीं हुई, क्योंकि डीडॉस अटैक के अंदर होता है क्या कि मान लो एक वेबसाइट की लिमिट है कि वो 1 लाख यूज़र को हैंडल कर सकती है या 2 लाख यूज़र्स को एक बार में हैंडल कर सकती है, उसके ऊपर ऐसा डीडॉस मारा कि भैया सीधा ही पहुंच गए 3 लाख 4 लाख बंदे, तो जिसके बाद में वो हाँप गई, भैया उससे संभाला ही नहीं गया, उसकी लिमिट पूरी हो गई और बस पुतिन बोलता रहा वेबसाइट के ऊपर, जितने भी लोग सुनने वाले थे उन्होंने किसी ने सुनी नहीं, हाँ जो टीवी पे सुन रहे होंगे उन्होंने सुन ली होगी। दोस्तों पहले के टाइम पे व्हाट्सएप के ऊपर एक लिमिट होती थी इमेज वीडियो भेजने की, भैया या तो 26 भेज सकते हो, उसके बाद में इंक्रीज करके उसको 30 कर दिया गया था, लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है कि आप भी खुश हो जाओगे कि इसको 100 कर दिया, मतलब अब एक बार में 100 फोटो या 100 वीडियोस भेज सकते हो, टोटल 100 मल्टीमीडिया फाइल्स भेज सकते हो, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि कई सारे लोगों को दिक्कत होती थी, पहले कुछ सिलेक्ट करके भेजी फिर कुछ भेजी तो इस तरीके से भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब डायरेक्टली 100 भेज सकते हो, शतक मार दो सीधा, सेंचुरी, बल्ला उठा दो या मोबाइल उठा दो।